मिस पुन्या सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आप मिस मिस ग्लेयर ऑर्बिट विनर रहा है तो आप अपना जर्नी थोड़ा तो ब्रीफ कर दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू थैंक यू सो मच और uh, मेरा जर्नी एक्चुअली स्टार्ट uh, हुआ था ऑनलाइन uh, से आई आई गौर अ कॉल फ्रॉम देम उन्होंने कॉल किया मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए ग्लेयर ऑर्बिट में तो ऐसे करके मतलब मैं इतना श्योर नहीं थी ये चीज़ को करूँ कि ना करूँ लाइक आई वॉजन लाइक इतना श्योर एंड मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं था मतलब इतना नेशनल लेवल में जाना एंड नेशनल लेवल में कम्पीट करना लोगों के साथ में इट्स आई थिंक इट्स टेक अ लॉर ऑफ गट्स तो दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड इट्स स्टार्टिड फ्रॉम गेरिंग अ कॉल देन आई गेटिंग इन टू दिस पैजन एंड देन टेकिंग इट एज अ सीरियस स्टेप एंड देन गोइंग थ्रू दिस फेज आई थिंक दैट्स द जर्नी आई वुड से कम्पिटिटर्स आई वुड से इज दैट देखिए बात यह है कि आप यहाँ से हम बहुत इनएक्सपीरियंस लोग हैं लाइक वी आर नॉट ट्रेनड प्रोफेशनली टू बी ऑनेस्ट मैं बता रही हूँ वी वी आर नॉट ट्रेन प्रोफेशनली हमें कुछ कुछ चीज़ें लाइक ऑब्वियसली कुछ कुछ चीज़ें हमें बहुत लाइक मिनिमल चीज़ें हमें कुछ कुछ मतलब पता है तो वैन वी गो टू अ बिगर प्लेटफॉर्म वैन वी कम्पीट विद अ बिगर प्लेटफॉर्म वो ऑलरेडी एक प्रेशर रहता है एंड द कंपिटीटर्स आई वुड से इज दे वेर वेल ट्रेनड वेल अब क्या करें क्या करते हैं एंड प्रोफेशनली वो लोग पोस्चर uh, और ब्यूटी पैजेंस ये सब चीज़ों के बारे उन्हें बहुत कुछ लाइक like, मुझसे ज़्यादा बहुत चीज़ें उन्हें पता था तो दैट काइंड फेल्ट मतलब मुझे वो चीज़ में मुझे थोड़ा लैकिंग लगा तो या दैट वॉज द कॉम्पिटिशन बिगेस्ट कॉम्पिटिशन माई बेस्ट मेमोरी आई वुड से बेस्ट मेमोरी यही है मेरे लिए कि मैं यहाँ से जब जा रही थी जब वेन आई लेफ्ट अरुणाचल फोर फाइव मंथ्स बैक आई वॉज़ रियली पेट्रीफाइड मुझे नहीं पता था कि आई वुड बी एबल टू डू दिस और नॉट मतलब करेज भरोसा ये सब चीज़ें आई हैड रियली लो कॉन्फिडेंस कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी तो जब वहाँ जाके वेन आई गॉट अप्रिशिएशन फ्राम द अदर पीपल एज वेल फ्राम माई मेन्टोज फ्राम माई को कंटेस्टेंट्स वो मेरे लिए बहुत रिलीफ मेरे लिए uh, मुझे फील हुआ क्योंकि आई यूज टू फील रियली रियली स्कैड कि मैं लाइक like, कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ तो या देर वॉज माई बेस्ट मोमेंट आई वु से आपका कोई इंस्पिरेशन कोई कहना ब्यूटी चीज़ ऐसे है कि मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली ने मुझे इन्वॉल्व किया है इस चीज़ों में आई वजन अब ब्यूटी पैजेंट गर्ल मुझे अच्छा लगता था देखने में बचपन से बट मैंने कभी नहीं ये सोचा कि आई वुड डू दिस वन डे तो आई गिव दैम फुल क्रेडिट्स टू माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स एंड ब्यूटी पैजेंट मेरे लिए ऐसा रहा है कि मिस अरुणाचल से शुरू हुआ है मेरा जर्नी 2021 से और मैं वन ऑफ द सब टाइटल रही हूँ मिस कंजिनिटी एंड देन तब मुझे वहाँ जाके मुझे पता चला कि यू नो आई हैड अ लॉर ऑफ बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस आई गॉट अ लॉर ऑफ नॉलेज क्या है कैसे है एंड देन आई लाइक मुझे ये मेरे लिए ये था कि मैं उसके बाद भी मिस अरुणाचल के बाद भी लाइक like, मिस ब्यूटी uh, पैजेंट के लिए तो मैंने सोचा ही नहीं था आई थिंक इट हैपन वेरी ऑर्गेनिकली इन माई लाइफ बहुत चीज़ें मेरे लाइफ में नेचुरली फॉल किया है मैंने लाइफ में इवन मैं अभी भी ये सब चीज़ें डिस्कवर कर रही हूँ ब्यूटी पैजेंट के बारे अभी भी मैं डिस्कवर ही कर रही हूँ इवन दो आम विनर इट डजेंट मेक मी अ वेरी यू नो वेरी एक्सपीरियंस और अ प्रो गर्ल बट मैं अभी भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ लर्न कर रही हूँ क्या थैंक यू क्या होगा माई माई नेक्स्ट स्टेप इज जिस शो की मैं अभी विनर हूँ ग्लैर ऑर्बिट इंडिया का तो जो वहाँ के मैंटोज हैं दे आर गोइंग टू ग्रो मी फॉर मिस इंडिया फॉर मिस इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो होप फुली आल डू माई बेस्ट आल गिव माई बेस्ट मैम आपने जो ये जो क्यों चॉइस किया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अरुणाचल लेकिन भी या... आपने आपका क्वेश्चन में ही आंसर है एक्चुअली क्योंकि येस इवन आई फील कि हमारे यहाँ पे ब्यूटी पैजेंट का लैक ऑफ नॉलेज है एंड ऑल्सो uh, वो हमारी गलती नहीं है वो इट्स इट्स अ डेवलपिंग स्टेट तो धीरे धीरे करके आता है सब कुछ एंड द गुड पार्ट इज़ कि हमारे यहाँ से अरुणाचल से बहुत सारे यू नो यंग गर्ल्स दे आर कमिंग आउट टैलेंटेड गर्ल्स दे आर कमिंग आउट सो आई थिंक ब्यूटी पैजेंट मैंने चूज़ आई थिंक इसलिए किया है क्योंकि मुझे लगता है कि आई वुड बी एबल टू डू दिस एंड जो भी नॉर्म्स है ब्यूटी पैजेंट को लेके आई होप इन कमिंग यर्स आई होप दे विल बी लाइक गर्ल्स लाइक मी और यू नो कमिंग अप विनर्स लाइक मिस अरुणाचल्स ये नॉर्म्स धीरे धीरे करके ब्रेकेज थोड़ा थोड़ा होते जाएगा तो दैट्स हाउ मेरा मेन्टेलिटी एक ब्यूटी पैजन को लेके है स्पेशली इन अरुणाचल दिस कोई भी शो में डिफरेंसेस ऐसा होता नहीं है आई वुड से अगर आई वुड से पीपल हैज़ दिस मिसकंसेप्शन कि आप अगर अरुणाचल से बाहर जाके कर रहे हो तो ओ माय गॉड दैट्स अ वेरी बिग थिंग बट आई वुड से इज हर स्कूल लेवल नेशनल लेवल स्टेट लेवल यू नो इंटरनेशनल लेवल्स ये सब का एक लेवल होता है जितना आप लेवल जाते रहते हो कंपटीशन बढ़ते ही रहता है आई थिंक दैट्स द डिफरेंस वेयर एवरी फेस यू विल गेट टू You know, fight with a uh, different kind of uh, competitors and also you different phases. Milenge. I think that was my difference. And when it comes to Miss Arunachal and Glare Orbit India, is, mujhe, uh, I think I got a lot of exposure portfolio. So, this little, little things I got to know, but as, a, as such, I would say I give.

Not as a beauty queen, I would say, as a person and as a person in general, मैं बस सबको यही बोलना चाहूँगी it's not about beauty, it's I think it's मेरा एक ही चीज़ मानना यही है कि लाइफ में यू शुड नेवर एवर गिव अप especially when इट कम्स टू करियर when इट कम्स टू ड्रीम्स होप्स कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि लाइक यू नो यू लर्न from योर फेलियर्स एंड पीपल टेक पीपल आर scared.